अस्सलाम वालेकुम फुक्तास, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल वेल एंड गुड। सो दिस इज़ योर मैथ्स लेक्चर एंड आई एम मिस फरहाना, योर सब्जेक्ट टीचर। टुडे डेट इज़ 24 जुलाई 2020 एंड डे इज़ फ्राइडे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू यूनिट, यूनिट नंबर 3, एंड द नेम ऑफ दिस यूनिट इज़ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सो आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज़ divisibility test. So please open your page number 24 for class. Okay, so what is divisibility test? Divisibility test kya hai? A number is said to be divisible by another number if the first number can be divided by the second without leaving a remainder. मीन्स दैट अगर हम किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और अगर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो हम उसे कहते हैं कि डिविजिबल है, यानी कि एक नंबर दूसरे नंबर पे डिविजिबल है। जैसा कि अगर 24 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है और आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 12। इसी तरह अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनसे हम ये पता करेंगे कि कौन सा नंबर किस वाले नंबर से डिवाइड होता है। इज़ इट क्लियर? सो फोर्थ क्लास एक्सरसाइज नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 3 आर सेम। सो इस एक्सरसाइज को आपने अच्छे तरीके से अगर आप समझेंगे तो एक्सरसाइज नंबर 3 बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगी। इज़ इट क्लियर? ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर 1 इज ट्राई आउट दिस नंबर्स यूजिंग द डिविजिबिलिटी रूल्स। Okay, fourth class, here we have question number 2, 891. Come to the first column, which is the number even? Is the number even? Kya ye number even hai? This column is sorted by the rule of 2. And what is rule of 2, fourth class? Rule of 2, the digit in the unit's place must be divisible by 2. All even numbers are divisible by 2. For example, 74. For class, हमने चेक करना होता है कि अगर नंबर इवन है तो वो डिविजिबल बाय 2 है, और अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर इवन नंबर आता है तो इसका मतलब है कि वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है और वो इवन नंबर होता है। इज इट क्लियर? सो लेट्स टेक इट फ्रॉम द फर्स्ट नंबर 891. The digit on the unit place is 1, which is not even. It means this whole number is not divisible by 2 and it is not even. So we will write in the column n means no, ये number 2 पे divisible नहीं है, ये number even नहीं है। ठीक है, समझ आ गया आपको फोर्थ क्लास? हमने इसका फर्स्ट प्लेस देखनी होती है। फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास क्या था, 1 था 891 में, तो 1 तो 2 पे डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमने क्या कहा है कि ये नंबर हमारे पास इवन नहीं है और आपने क्या लिख देना है, एन। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, 930. यू कैन सी फॉर क्लास द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 0 and it is even number, so it is divisible by 2. So we will write y, that's mean yes. Is it clear? Okay, now move to the next. Is it divisible by 3? So we will check whether these numbers are divisible by 3 or not. For this we have to read to the rule of 3, and the rule of 3 is the number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3. Means that हमारे पास जो भी नंबर होगा हमने इसके डिजिट्स का सम करना है, और अगर सम का आंसर 3 से डिवाइड होता है तो मतलब वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है। समझ आ गया आपको? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड दिस नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2, 8 plus 9 plus 1, then we will get 18. And 18 3 से डिवाइड होता है फोर्थ क्लास, मतलब ये नंबर 3 का डिविजिबल है। सो वी विल राइट y मीन्स येस। इज इट क्लियर? ओके फोर्थ क्लास,
You will do the remaining parts by yourself. Now, move to the next. Is it divisible by 5? So, you will check whether this number are divided by 5 or not. For this, we have to read the rule of 5. And the rule of 5 is, a number is divisible by 5 if the digit in the unit place is 5 or 0. क्या मतलब है इसका? फोर्थ क्लास, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास यूनिट प्लेस पे अगर हमारे पास 5 एंड 0 होगा तो इसका मतलब है कि वो 5 पे डिविजिबल है नंबर. ठीक हो गया? ओके ओके ओके. फोर्थ क्लास, वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, 891. द डिजिट, यू कैन सी द डिजिट एट द वंस प्लेस या यूनिट प्लेस इज 1 विच इज़ नॉट 5 और 0. So it means this number is not divisible by 5. So we will write n, which means no. Is it clear? 891 is not divided by 5. Is it clear? Now come to the question number 4. 930. The digit on the unit place is 0. So it means this number is divisible by 5. So we will write y, which means yes. 930 is divisible by 5. Is it clear? Okay, for class, remaining parts of this exercise you will do by yourself. Now come to the exercise number 2. I hope you have understood today's lecture. And for class, aapne acche tarike se iski practice bhi karni hai. Theek hai? Exercise number 1 ki, 2 ki, 3 ki. Class, maine lesson plan mein exercise number 1 just likhi hai. Theek hai? लेकिन आपने, मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 भी करवा रही हूँ. ठीक है, इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीक में हम एक्सरसाइज नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज नंबर 1 और 3 बिल्कुल सेम है, एक्सरसाइज नंबर 2 में भी मैं आपको करवा रही हूँ. तो आपका एक्सरसाइज नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों होमवर्क होंगे. लेसन प्लान में जस्ट आपका एक्सरसाइज नंबर 1 लिखा हुआ था, लेकिन मैं आपको कितने करवा रही हूँ? एक्सरसाइज नंबर 1, 2 और 3, यूनिट नंबर 3 की. ठीक है, तो आपने इस चीज़ पे ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्लास, एक्सरसाइज नंबर 2, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नंबर 1, अ नंबर विद 0 इन द यूनिट्स कॉलम इज डिविजिबल बाय. जी क्लास, क्या होगा जब भी नंबर का यूनिट कॉलम में, अगर आप यूनिट प्लेस पे अगर आपके पास 0 हो तो इसका मतलब है वो नंबर किस किस नंबर पे डिविजिबल है? 2, 5 और 10. ठीक है, इन तीनों पे डिविजिबल है वो नंबर. ठीक है, नेक्स्ट, डैश नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2. वो कौन से नंबर है जो 2 पे डिविजिबल नहीं होते? और नंबर्स. नेक्स्ट 3, एक्स इज डिविजिबल बाय 5 मीन्स व्हेन एक्स इज डिवाइडेड बाय वाई. एक्स इज डिविजिबल बाय वाई मीन्स व्हेन एक्स इज डिवाइडेड बाय वाई देयर इज नो रिमाइंडर. क्या होगा? नो रिमाइंडर. अगर x जो है वो डिविजिबल होगा y पे, इसका क्या मतलब है? x जो है अगर y पे डिवाइडेड, मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 501 इज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. क्योंकि क्लास, जब हम 5 + 0 + 1 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 6. तो 6 डिविजिबल है 3 पे, तो क्या हो जाएगा इसका? क्या तो आपने क्या ब्लैंक में लिखना है? 3. ओके, कम टू द नेक्स्ट 5. ऑल मल्टीपल्स ऑफ डैश हैव 0 इन द यूनिट कॉलम. तो क्लास, क्या होगा जितने भी 10 के मल्टीपल्स होते हैं, 10, 20, 30, 40, ये सब क्या होते हैं, इनके यूनिट कॉलम में क्या होता है? 0. इज इट क्लियर? यानी क्लास, अब अगर 10 का टेबल अगर आप पढ़ते हैं तो आपके एंड पे हमेशा 0 आता है, ऐसा ही है ना? ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर 3. Copy and complete the following table. Remember to use the divisibility rules. तो क्लास, ये बिल्कुल एक्सरसाइज नंबर 1 जैसा जो कि हम अभी करके आए हैं, कि आपने इसमें क्या बताना है? आपने रूल्स को याद करना है क्लास. डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं 2, 3, 5 और 10 को. इज इट क्लियर? ओके क्लास, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है. आपके पास है 500. क्या है आपके पास? 500. तो क्या क्लास, क्या ये डिविजिबल बाय 2 है? Is it divisible by 2 for class? Yes. क्यों है ये divisible by 2? क्योंकि क्लास, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है?
ज़ीरो, ज़ीरो हमारे पास एक इवन नंबर है, ठीक है। इसी तरह से क्लास, क्या ये 3 पे डिविजिबल है 500? नो, क्योंकि क्लास 5 हमारे पास क्या है, 5 तो 3 पे डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब आप क्या लिख देंगे, नो। इसी तरह से क्लास क्या 5 डिविजिबल बाय 5, तो क्लास क्या 500 5 पे डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी रूल में क्या पढ़ा था, हमारे पास क्या होना चाहिए, 5 और 0, और वो हमारे पास है, ठीक है, समझ आ गया आपको। ओके फॉर क्लास रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 3 आर ऑन द सिमिलर पैटर्न, सो डू इट बाय योरसेल्फ। ओके फॉर क्लास योर होमवर्क इज यूनिट नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 1, 2 and 3, पेज नंबर 25 and 26। डू एक्सरसाइज नंबर 1, 2 and 3 ऑन योर बुक। ओके फॉर क्लास, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।